हे गाइस, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर बोलें तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है अपना हिस्ट्री या फिर इतिहास, जिसको आप बोलते हैं। इतिहास के बारे में बेसिकली हमें या तो आपको पता चलेगा किसी ने कोई बुक लिखी है, कोई लिखित यानी कि रिटन एविडेंस, ठीक है, रिटन एविडेंस होना चाहिए, कुछ खुदाई में मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, कुछ मोहरें होती हैं, जैसे कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी पढ़ा है कि अपना इंस्क्रिप्शन या फिर आपके मोहरें होती हैं जो कि हम लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। ऐसे ही करके काफ़ी सारे एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रामायण है, आपका महाभारत है, बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, इन सब से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। लेकिन कोई पीरियड ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके बारे में कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, वो कहलाता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर प्री हिस्ट्री या फिर प्रोटो हिस्ट्री, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे हिस्टोरियंस ने व्यूज़ दिए हैं, साइंटिस्ट ने व्यूज़ दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे उन लोगों ने बताया है कि कैसे आपका सारा ये जो सिस्टम है, आज हम इतने बड़े इकोनॉमी जो बने हैं, वहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, गाइडली IBPS गाइडली की एप्लीकेशन पे आप लोग इसका PDF ले सकते हैं गाइस। तो फिर आपको सिर्फ शांति से इस लेक्चर को सुनना है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर जो कि है हमारा एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से, यानी कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई है। पृथ्वी के बारे में जाने तो वो आपका 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, या फिर हम कहें कि 460 करोड़ वर्ष पहले उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो बनके तैयार हुई है। तो उसके ऊपर जीवन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, और सिर्फ ये क्या है, यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं है। ये जो गैसेस हैं धीरे धीरे ठंडी होंगी, ठंडे होने के बाद क्या होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट बनेगा, वहाँ पानी का उत्पत्ति हुआ होगा, वहाँ पर अब अर्थ बनेगा, पूरा अर्थ हमारा जब तैयार होगा, तो अर्थ जो बन गया है वो हमारा कैसा हो गया है अब, जैसा कि वहाँ पर जैसे ही अर्थ के ठंडे होने के बाद जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई है, कब शुरू हुई है, लगभग 100 करोड़ साल बाद, यानी कि आपने देखा कि 4.6 बिलियन ईयर्स है गो जो है अर्थ की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो हमारी यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति, या फिर एक बोलें कि आपने एक छोटा सा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म जो हुआ है, वो हमारे समुद्रों में पानी में किसके कब हुआ है, वो हुआ है आपका 360 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर आप कहेंगे 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है गाइस, तो अब जो है जीवन की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीव ने जन्म लिया और कई साल उसको लग गए इसको आगे के पीरियड्स में आने के लिए। ठीक है, कई कालों में इसको पढ़ा जाता है, जैसे कि पेलियोजोइक, मीजोजोइक और आपका सीनोजोइक, ये एराज हैं और धीरे धीरे इवोल्यूशन जैसे हुआ है वैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे जैसे हमें एविडेंसेस आपको किसके मिलेंगे कि यहाँ के, जब आप 360 करोड़ वर्ष हो पुरानी बात कर रहे हैं, तो इसके कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, तो इस वर्ष समय को हम लोग क्या कहेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो कि हिस्ट्री में दर्ज नहीं है। ये एक जो हमारी फिलॉसफी है, कोई देता है या फिर कोई सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए ये धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन की तरफ हम बढ़े हैं। ठीक है, तो आगे जो बात हम करेंगे वो ये आती है कि आपका ये जो पहला जीव हुआ है, एक कोशिकीय जीव हुआ है, वो आपका आयोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, जबकि दूसरे जो हमारे जीव का लार्वा लाइफ शुरू हुई है, ठीक है, एक बैक्टीरिया बना है, बैक्टीरिया की उत्पत्ति कब हुई है आपकी, 200 करोड़ वर्ष पूर्व आपकी एक बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब क्या हुआ है, धीरे धीरे करके आपके समुद्र में क्या होगा, यहाँ पर
वनस्पति जो है वो स्टार्ट होगी। वनस्पति स्टार्ट होगी यानी कि लाइफ कहाँ शुरू हुई है, सबसे पहले पानी में स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब पानी में लाइफ स्टार्ट हो गई है। दूसरी बात आती है कि अब जो जलचरों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैसे कि मछली है, छोटी मछली या जो ऐसी भी मछली उस टाइम पे रही होंगी, यानी कि जंतुओं के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर क्या है अभी, यहाँ पर हमारी वनस्पति उग रही है। दूसरी बात, जब जंतुओं की बात आती है तो जंतुओं की उत्पत्ति कब शुरू हुई है वो आप याद रखेंगे, 60 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई है। ये कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा सा माइंडसेट आप लोगों का तैयार हो जाए इसीलिए। ठीक है, अब आगे बात जब हम करते हैं कि जब हमारा कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है, टाइलो बैक्टीरिया की। उसके बाद जब 50 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि 60 करोड़ वर्ष यानी 10 करोड़ वर्ष बाद हमारा क्या शुरू हुआ है, मछलियां या फिर फिशेस या फिर आपके जलीय जीव जो हैं उनकी उत्पत्ति शुरू हो गई है। जलीय जीवों की उत्पत्ति और उसके साथ साथ जो है डायनासोर्स भी विकसित होना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे डायनासोर्स का विकास होना शुरू हो गया है और इस एरा को यानी कि यहाँ पर डायनासोर्स और उड़ने वाले बर्ड्स जो हैं इनका उत्पत्ति होना शुरू हो गया है। उत्पत्ति होना शुरू हुआ है अभी, ठीक है, इस बात को समझेंगे। और आगे आते आते ये बहुत विशाल जीव बन गए थे, जो कि हम लोगों ने जुरासिक पार्क, जो हमने मूवी देखी भी होगी आप सभी लोगों ने, तो जुरासिक जो है आपका एरा, इसमें काफ़ी ये अपने चरम सीमा पर थे और काफ़ी जल्दी इनका मृत्यु भी हो गई थी, ये अपने डेथ भी हो गई थी इन सभी जीवों की, विलुप्त हो चुके हैं आज। ठीक है, आज से लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले जो है इनका, डायनासोर्स और पक्षियों का जो है ये उत्पत्ति अपने होना शुरू हो गई थी। अब आगे बात क्या आती है हमारी, आयुसीन युग में जब हमारे प्रथम स्तनधारी, जैसे कि हम लोग मैमल हैं, अगर हम मैन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल की, यानी कि स्तनधारी। स्तनधारियों का जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो आपकी लगभग, इंसानों की बात नहीं करेंगे अभी, एक्चुअली मैं बस ये बताना चाह रही थी आपको कि मैमल हम लोग हैं, यानी कि हमारे जैसे जो जीव हैं, जो स्तनधारी हैं, ह्यूमन की उत्पत्ति तो काफ़ी बाद हुई है, लेकिन जो हमारे मैमल हैं, स्तनधारी हैं, उन जीवों की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी कब शुरू हो गई है यहाँ पर, वो आपकी 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर स्तनधारियों का जो उत्पत्ति है वो शुरू हो गई। दूसरी बात, जो हमारा मानव की उत्पत्ति आते आते तो काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तो हमारे प्राइमेट्स यानी कि जो हमारे वानर हैं, जो कि हमारा बोला जाता है कि हमारा जन्म जो हुआ है वानर के इवोल्यूशन से हुआ है, या फिर उन्हीं के जो हमारा चला है सीरीज जो है वो हमारी कहाँ से हुई है, वानर से या फिर प्राइमेट्स इनको बोला जाता था। आगे हम लोग देखेंगे कि उन्हीं का विकास होते होते उनकी पूंछ जाएगी, फिर वो खड़े होना शुरू करेंगे, फिर वो लोग अपना विकास करेंगे, जैसे जैसे वो विकास होगा वैसे वैसे मनुष्य का विकास होगा और वो अपने जिस अभी पोजिशन पर है उस पोजिशन आ पाएगा। 4 करोड़ वर्ष पहले जो है ये बंदर जो है, बिना पूंछ वाले बंदर, जिनको आप लोग जो हमारे पूंछ वाले बंदर होते हैं वो आप नॉर्मली जो देखते हैं वो आपके यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। ठीक है, 2.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ है, आपके जो नर वानर हैं यानी कि बिना पूंछ के बंदर जो आदमी हैं, नर वानर, ठीक है, वो अभी कैसे हैं, कब आए हैं, ये आए हैं, आपको याद रखना है 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व आज के समय से। ठीक है, अब इनको जो है ये जो नर वानर थे, इन्हीं के ये एक श्रृंखला आप लोग देखने को मिलता है, जैसे कि गोरिल्ला है या फिर चिंपैंजी है, ये सब आप लोग देख सकते हैं आज के समय में। ठीक है, लेकिन मानव प्रजाति का विकास जो है, सबसे पहले किसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, हमारे यहाँ रामापिथेकस को बोला जाता है, रामापिथेकस को यहाँ पर बोला जाता है। आगे अगर बात करें हम लोग इसकी उत्पत्ति के, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हमारे रामापिथेकस जो है वो उत्पत्ति हो गई थी। ये वानर ही है, वानर जैसी शक्ल इनकी है और अभी ये मतलब कि सीधे खड़े होना जो है बेसिकली स्टार्ट होगा आगे को। ठीक है, और मानव जो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 25 लाख वर्ष पूर्व जो है हमारा जो
सदृश जीव जैसे कि हम देखते हैं अपने आप को, वैसे हमारे कब शुरू हुए हैं? 25 लाख वर्ष पूर्व जो है वो शुरू हुआ है। कहते हैं कि जो हमारा मानव है, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है या फिर जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा जीवन की उत्पत्ति बोली जाती है। जैसे कि आप लोग अगर अर्थ को देखेंगे, अर्थ का ये शेप ठीक है, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या फिर मकर रेखा, ओके, मकर रेखा यहाँ होती है और ये होती है आपकी कर्क रेखा और ये होती है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो कि आपकी गुजरती है 0 डिग्री से और ये 23.5 डिग्री से और ये भी नीचे साउथ की तरफ 23.5 डिग्री पर गुजरती है और ऊपर हमारे जो पोलर रीजन है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल बनते हैं वहाँ पर आपका 66.5 डिग्री पर ये हमारा कट होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा है पूरा, ठीक है, हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है, यानी कि आपका इक्वेटर से भी होकर गुजरता है, आपका कर्क रेखा से भी गुजरता है, मकर रेखा से भी गुजरता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसको पूछा बोला जाता है, आपका जीवन यहीं पे शुरू हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, जैसे ही आपके जीव बनना शुरू हो गए समुद्र में, समुद्र से आए होंगे आपके कहाँ, यहाँ अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में आए, आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न साइड में आपके क्या प्रेजेंट है, सहारा डेजर्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर आप चलेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग बढ़ते रह गए और ऐसे ही करके सिविलाइजेशन जो है वो आगे स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके जो है हमारे मानव की भी उत्पत्ति हुई है, आगे के जो हमारे उत्पत्ति है, जैसे जैसे मानव ने माइग्रेशन शुरू करा है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करा है, वो ऐसे करके शुरू करेगा। पहली बात तो सबसे पहला जो दोस्त था मानव का वो था उसका पत्थर। पत्थरों से उसने क्यों दोस्ती करी, क्योंकि कोई भी जानवर उससे दूर भगा सकता था, अपना खाना लेने के लिए उससे अच्छे से अच्छी चीज़ें उससे पत्थर से वो तोड़ सकता था या फिर किसी को भगाने के लिए वो यूज़ करता था, तो पत्थर उसका सबसे प्यारा दोस्त है, यानी कि पाषाण काल की हम लोग बात करेंगे। आगे बोलते हैं गाइस, जैसे कि आपने देखा कि प्री हिस्टोरिक एज के जो है हमें विटनेस कोई नहीं मिलते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं मिलती है हमें, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसका। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब है हमारा आता है स्टोन एज। स्टोन एज जो है हमारा बेसिकली डिपेंड है आपके स्टोन्स पर, यानी कि मानव ने जैसे जैसे स्टोन का अपना स्टोन का भी विकास किया है, अपने सिविलाइजेशन का भी विकास किया है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने सिचुएशंस में, जैसे जैसे आती जाती हैं, तो मानव की जो संस्कृति है उसके लंबे समय से गुजरता हुआ चला आ रहा था और मानव के समय समय पर अपने उपकरणों का प्रयोग करते करते, जैसे उसने पत्थर का इस्तेमाल किया है या फिर आगे आके उसने चालकोलिथिक एज आएगा, फिर आयरन एज आएगा, यानी कि अपने हथियारों का या फिर अपने उपकरणों का जैसे जैसे उसने विकास किया है वैसे वैसे हमारी सिविलाइजेशन का विकास हुआ है। ठीक है, तो उसको समझने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमारा जो मानव का अगर हम लोग देखें तो विश्व में सबसे पुराना जो हमें जीवाश्म मिलता है वो आपको मिलेगा 42 लाख वर्ष पूर्व, जो कि आपको कहाँ मिलेगा ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये आपका अफ्रीका से मिला है। ठीक है, अफ्रीका से मिला है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ टाइम पहले ही आपका 14 लाख वर्ष पूर्व ये आपको जीवाश्म मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये भी आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में आपको मिला है, महाराष्ट्र के बोरी जिले में मिला है। ठीक है, बोरी नामक एक जगह है, वहाँ पर ये आपको 14 लाख पुराना एक जीवाश्म मिलता है मनुष्य का। और बाकी जो कॉमनली हमारे इंडिया में एक्सकेवेशन से या फिर खुदाई से मिलते हैं तो वो आपके नॉर्मली 2.5 लाख वर्ष पूर्व आपको मिलते हैं जीवाश्म। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना स्टोन एज पे। तो स्टोन एज में आप सबसे पहले देखते हैं पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, जहां पर भी लिथिक शब्द आता है इसका मतलब ही स्टोन से या फिर पत्थर से प्रेजेंट करता है। पेलियोलिथिक एज जो है उसमें क्या है आपका टाइमलाइन, वो रहेगा आपका 5 लाख BC से बिफोर क्राइस्ट,
से 10,000 BC तक, ये आपका बहुत लंबा पीरियड है, ओल्ड स्टोन एज भी इसको बोला जाता है, पेलियोलिथिक एज को। दूसरी बात, आपका मीजोलिथिक एज आता है, दूसरी चरम में हम अगर आते हैं तो मीजोलिथिक एज में बेसिकली यहाँ पर जो पेलियोलिथिक में स्टोन्स का यूज़ करा है मानव ने, वो अपने स्टोन्स को ज़्यादा, मतलब कि जैसा स्टोन होता था थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके, नुकीला बना के या फिर जैसा भी उसको ठीक लगता है वैसा बना के, उसने कोई जानवर आ रहा है उसको फेंक के मार दिया, या फिर अपना जैसे किसी भी यूज़ में पत्थरों का यूज़ करना शुरू कर दिया था उसने, पेलियोलिथिक एज की बात करें तो। आगे हम लोग मीजोलिथिक एज की बात करते हैं, तो मीजोलिथिक एज में आप देखेंगे कि आपका छोटे स्टोन्स और नुकीले स्टोन्स यहाँ पर मिलते हैं मीजोलिथिक एज में, इसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाएगा। 10,000 BC से ये 6,000 BC तक आपका टाइम पीरियड चलेगा। आगे हम बात करते हैं न्योलिथिक एज की, न्योलिथिक एज में आपको मिलेगा, न्यो स्टोन एज भी बोला जाएगा, और इसको कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है हमारा, 6000 BC से 1000 BC तक। न्योलिथिक एज यानी कि आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको भी एक लिंक किया जाता है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन आप सभी को पता है कि आपका 2500 BC से ये चलेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे जैसे कि आपका आगे जो एज आता है यानी कि ब्रॉन्ज एज हमारा जो आता है वो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है काउंट किया जाता है, ठीक है गाइस। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आप सभी को पता है कि कौन सा एज आता है, हमारा वैदिक एज आता है, यानी कि हमारा जो वैदिक समय काल है, जो हमारा रामायण है, महाभारत है, ये सब हमारे आयरन एज या फिर आपके वैदिक काल जो है ये शुरू होगा उसके बाद, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो है टाइम लाइन था थोड़ा सा जो हमें समझना था। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं फूड गैदरिंग की, यानी कि फूड गैदरिंग क्या था, कि सभी को पता है कि इंसान जो है वो क्या करता है, जो हमें क्या करना है, हमें कमाना है, हम आपको जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि आप कमाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी कपड़े, सभी चीज़ें, अच्छी फैसिलिटीज़ आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो फूड गैदरिंग भी करेगा, खाना उसको चाहिए अपना पेट भरने के लिए, फूड गैदरिंग करने के लिए उसको हंटिंग करनी पड़ेगी। हंटिंग करने के लिए वो क्या करेगा, अपने पत्थरों का यूज़ करेगा, या फिर आगे चलो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग तो चालकोलिथिक एज में आते हैं, तो हंटिंग करने के लिए वो अपना कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करा है उसने। आगे हम लोग चलेंगे तो, क्योंकि हंटिंग तो शुरू से ही चलती आ रही है ना, हंटिंग तो शुरू से ही चलती आ रही है और आज भी लोग करते हैं, सलमान खान वाले केस तो आप सभी ने सुना होगा। वेल, बात करते हैं यहाँ पर, टॉपिक पर आते हैं, तो आगे हम लोग जैसे डोमेस्टिकेशन भी शुरू करेगा वो इंसान, क्या करेगा, जैसे कि अब हंटिंग का प्रोसेस जो है वो उसने क्यों शुरू करा, क्योंकि उसको लगा कि या तो मैं इस जानवर को मार दूं या इस जानवर को मार के खाया भी जा सकता है। जैसे कि उसने अगर टाइगर को देखा होगा कि ये जानवरों को मार के खा जाता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, ये उसका खाना बन सकता है तो मैं, मेरा भी खाना बन सकता है ना, तो उसने हंटिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ ऐसे जानवर थे जो उसको लगा कि वो हंटिंग करो भी ना, तो मतलब सीधे साधे जानवर जैसे कि आपने बकरी है, ये सब जानवर जो हैं उसने डोमेस्टिकेट यानी कि उसने पालना शुरू कर दिया। वो क्या कर सकता है, अपने खाने को स्टोर कर सकता है, यानी कि उसको बाद में खा लेगा वो, ठीक है, अब जो भी उसका पर्पस रहा हो। आगे हम देखेंगे जैसे कि अब जानवरों को उसने रखना शुरू कर दिया, अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, भाई कहीं तो रुकना ही पड़ेगा ना उसे, उस जानवर को खींचते हुए ले जा तो नहीं सकता हर जगह, तो उसने रुकना शुरू करा कहीं कहीं। तो उसने क्या करा, फिर अपना देखा कि अब उसने फल खाया है कोई, तो फल का बीज वगैरह वो सब वहाँ पे डाल दिया तो वहाँ से पेड़ उग गया, तो उसको समझ आई कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो हो सकता है, यानी कि कहीं पर रुको तो फिर खेती बाड़ी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब खेती बाड़ी शुरू करी है तो ऐसे थोड़ी ना खेती बाड़ी की जाती है, रुकना पड़ता है एक जगह, अब उसका जानवर भी उसके साथ है, उसकी खेती भी उसके साथ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेडेंटरी लिविंग, यानी कि अब वो क्या करने लगा है, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया है, इंसान ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया है, सेडेंटरी लिविंग इसको बोलते हैं।
अब सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि अब उसको खाना भी अच्छे से मिल रहा है, अब उसको सारी चीज़ें मतलब कि फैमिली उसकी बनने लगी है, और वो सारी चीज़ें जैसे कि अब स्टोन को वो मॉडिफाई करके आगे की चीज़ें उसको मतलब कि अपना जब खाना बनाया उसने, एग्रीकल्चर किया है तो सरप्लस में उसने क्या करा है अपना पॉटरी वगैरह बनाया है, जैसे कि हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे अपना, यानी कि कोई कोई चीज़ें वो बनाना शुरू कर रहा है, वो अपना आर्ट डेवलप कर रहा है, यानी कि आपने देखा ही होगा, हमने भीमबेटका में भी देखा है, या फिर हम लोग आगे आपको इमेज भी दिखाएंगे भीमबेटका की, जो केव्स हैं जहाँ उसने रहना शुरू करा है वहाँ पर उसने क्या करा है, ड्राइंग बनाई है, हाथी की ड्राइंग बनाई है, या फिर उसने डांस करते हुए वो बनाई है अपनी ड्राइंग बनाई है, या फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत अच्छे केव्स हैं, भीमबेटका केव्स, आप लोग ज़रूर जाइएगा। हाँ, तो आगे जैसे जैसे वो बढ़ता गया है उसने अपना विकास जो है वो किया है, जैसे पेलियोलिथिक एज हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 मिलियन ईयर्स एगो, आपका हम भारत की बात करें तो भीमबेटका में इसके एविडेंसेस मिलते हैं पेलियोलिथिक एज के और मीजोलिथिक एज के, ये आप लोग याद रखिएगा भीमबेटका, ठीक है। न्यूलिथिक एज की बात करें तो इसमें क्या करना शुरू करा है उसने, वीट और बार्ले का जो हम लोग एविडेंसेस देखते हैं, मेहरगढ़ आपको इम्पॉर्टेंट साइट है, ये आपको याद रखनी है। चालकोलिथिक की बात करें तो चालकोलिथिक आपका क्या था, कॉपर एज था, यहाँ से हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो चरम पर पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा भीमबेटका केव्स हैं वहाँ पर ये ड्राइंग बनी हुई है, हाथी यहाँ पर बनवा रखे हैं, और ये जो लंबे लंबे इसके दांत हैं यानी कि मैमथ जो हैं वो यहाँ पर बने हैं शायद, तो ऐसे लंबे दांत वाले जो हाथी हुआ करते होंगे उस टाइम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग अपना सिविलाइजेशन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे ही काफ़ी बड़े बड़े सिविलाइजेशन हुए हैं, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर आपका हुआंग हो है, तो कहाँ कहाँ के ये सिविलाइजेशन है ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन काफ़ी बार आपको पूछा जाता है, सुमेरियन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हुआंग हो रिवर के पास जो आपका सिविलाइजेशन है, चाइना का सिविलाइजेशन है, तो सभी चीज़ें जो हैं आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, या फिर आप लोग एक आइडिया तो एटलीस्ट रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो स्टार्टिंग इसका जो रफ फिगर है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है, ये किससे पता चलता है, हम लोग खुदाई करते हैं कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग की जाती है कार्बन-14 से, ये है एक एलोट्रोप कार्बन का, ठीक है, उससे हम लोग क्या पता करते हैं अपना जो भी हमारा कितनी एज रही होगी किसी भी खुदाई किए गए सामान को निकालने में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पता कैसे चला, इसको डिस्कवर किया है मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, और आपके बहादुर दयाराम सहानी ने, ठीक है। दयाराम सहानी जी, इन्होंने 1921 में क्या हुआ था, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे जो ईंटें हैं वो कुछ लोग कहीं से लेकर आते थे, क्योंकि हमारे देश में जो हमारे मजदूर लोग थे ब्रिटिशर्स, उनसे मजदूरी करवाया करते थे, तो क्या करते थे वो लोग जो हैं ईंटों को वहाँ से लेकर आते थे, यानी कि बोलते थे कि एक मौत का टीला है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी खोपड़ियाँ वगैरह हड्डियाँ जो हैं वो वहाँ पर मिला करती थी, तो हड्डियाँ मिला करती थी, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर नाम रख दिया उसका मौत का टीला, ठीक है। तो मौत का टीला रख दिया, और वहाँ से वो लोग ईंटें जो हैं बहुत ही अच्छे शेप की और एक ही साइज की ईंटें जो हैं, जो कि इंसान उस टाइम पे नहीं बना पा रहा था अपने सांचों से, क्योंकि अलग अलग सांचे होते थे तो अलग अलग उसके डिजाइन होती थी, तो ऐसा एक ही साइज का जो है ईंट वहां से लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा भी, क्यूरियोसिटी हुई थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे ही करते करते मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता तो चल रहा था, लेकिन फाइनली जो है 1921 में इसकी खुदाई की गई हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो साइट आपकी मिली थी वो आपकी हड़प्पा मिली थी, ठीक है।
दूसरी बात बात करते हैं हम लोग, तो ये आपकी कहाँ पर है? इंडस रिवर पर ये जो है हमारी लोकेटेड है, इंडस रिवर या फिर आपकी सिंधु नदी सभ्यता भी इसको बोला जाता है। ठीक है गाइज, तो आप सभी को यहाँ पर ये इतनी चीज़ें यहाँ याद रखनी है। कहाँ पर अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया का मैप अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो आपका इंडस वैली जो बहती है तो उसके चारों तरफ आपको ये सिविलाइजेशन जो है देखने मिलेगी, इंडस की सारी रिवर्स के पास या फिर ट्रिब्यूटरी जो हमारी होती हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये जो है मेन एरिया कौन कौन से कवर करती थी, तो वो भी आप चीज़ों याद रखनी है, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान का एरिया, राजस्थान, गुजरात आपका, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये आपके मेन एरिया हैं जो उसने कवर किए हुए थे। और एक्सकेंड जो हमारा सार्कोगंगोर है या फिर सार्कोगंगोर है ये बेसिकली, तो ये जो बलूचिस्तान में हमें मिलता है ये आपका कहाँ पर मिलता है? वेस्टर्न साइड में मिलता है। ठीक है, आलमगीरपुर आपका पूरा ईस्टर्न साइड में मिलता है, ये यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में मिलता है। दूसरी बात, आपका जो मंडा है, मंडा आपका यहाँ मिलता है नॉर्थ में, मंडा जो कि जम्मू का है, जम्मू में एक जगह है वहाँ मिलता है नॉर्थ में। और दूसरी बात, जो हमारा दाइमाबाद आता है ये आपका आता है महाराष्ट्र में। आगे आप लोग इसका पूरा फिगर, आपको डोंट वरी गाइस, जो PDF है आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो मेन साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बनावली है, राखीगढ़ी है, ये आपका कालीबंगन है, आलमगीरपुर है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदाड़ो है, और आपका चन्हुदाड़ो है, या फिर आपका सरकोटोडा है। सरकोटोडा के बारे में एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर घोड़े के एविडेंसेस मिले हैं। धोलावीरा है, लोथल है, ये देखेंगे ये आपके पोर्ट सिटीज़ हैं, यहाँ पर पानी है, पानी के पास के आपके पोर्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, उस टाइम के तो आप लोग देखेंगे कि इनका जो आप पोर्ट सिटीज़ इन्होंने बना रखी हैं, लोथल का हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे, तो इन्होंने देखा कि काफ़ी देशों से इनके यहाँ ट्रेडिंग होती थी। जैसे कि हम देखेंगे कि सुमेरियन आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपका मेसोपोटामियन जो सील है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थन मोस्ट पार्ट पे आपको मंडा मिलेगा, जो कि हमने देखा कि जम्मू में है। ये साइट डायरेक्टली पूछी जाती हैं कि आपका मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में कौन है, मोस्ट साउदर्न पार्ट में क्या है, आपका दाइमाबाद है, आलमगीरपुर आपका यूपी का साइट है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न साइड है और ये आपका वेस्टर्न साइड है, जो कि आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग बात करें तो बात आती है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब कि क्या चीज़ें वहाँ पर कॉमन थी, सभी जो साइट्स हैं हमारे मेजर जो सिटीज़ हैं उनके बारे में क्या हमारी मेजर जो है वो चीज़ें थी। पहले तो बात आती है हमारे जो वहाँ के पार्ट थे, जैसे कि आपका जो सिटी है वो वेल प्लान्ड थे, सभी सिटीज़ की जो स्ट्रक्चर थी वो एक बहुत ही अच्छे, जैसे कि आपके नोएडा सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ऐसे सेक्टर्स में जैसे उनको काट के अलग से बनाया जाता है, मतलब कि ये सिविलाइजेशन जो थी वो कहीं और रहकर फिर डिज़ाइन की गई थी। जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, वो आपका शहर आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे, मैप खोल के देखेगा कि कैसे वो डिज़ाइन किया गया है एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसा होता था कि आपका एक वेस्टर्न पार्ट होता था, यानी कि अगर हम ऐसे करके यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट बनाएं, और एक ईस्टर्न पार्ट होता था, एक ईस्टर्न पार्ट होता था, ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा आपका बड़ा होगा और ये कैसा होगा आपका थोड़ा सा नीचे होगा, ऊंचाई पे होगा, और जो ये वेस्टर्न पार्ट है आपका ये आपका थोड़ा सा ऊंचाई पे होगा, जैसे ऊंचे टीले की तरह इसको यहाँ पर बनाया जाएगा, जैसे कि जो हमारे मेन लोग होते होंगे, जो हमारे मिनिस्टर वगैरह रहते होंगे वो यहाँ पर रहते होंगे, और जो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह काम होता होगा, ऑफिस जो होंगे वो आपके यहाँ पर बनाए जाते होंगे, इस पार्ट को ये लोग सिटाडेल बोलेंगे, और दूसरा जो आपका आम जनता यहाँ पर रहती थी वो आपका टाउन होगा। इस टाउन में आपका बेसिकली आप लोग देखेंगे कि जो हमारी ये चौराहा है वो एक मेन चौराहा होता था, फिर वो गलियों में डिवाइड होता था, गलियों में, और कोई भी घर आपका मेन रोड पर नहीं खुलता था जिसका दरवाज़ा, सभी लोगों, और बीच में चौक पर एक बड़ा मार्केट भी है। आगे हम लोग सारे अच्छे से डायग्राम में देखेंगे।
ठीक है, वॉल्स की बात करें तो वॉल्स यहाँ पर कैसी ब्रिक के द्वारा बनाई गई हैं, बेक ब्रिक्ड के द्वारा, यानी कि आपको उसको ब्रिक को अच्छे से भूना गया है जैसे कि आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो पैटर्न है उनको लगाने का, वो पैटर्न भी इंटरलॉकिंग पैटर्न है, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न को वहाँ पर यूज़ किया गया है। ग्रेट बाथ मिला है आपको मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ है जो कि जहाँ पर बोला जाता है कि शायद रिचुअल फंक्शन जो है किए जाते होंगे, जैसे कि गंगा स्नान किया जाता है या फिर पूजा पाठ किया जाता होगा या जो भी उनका पर्पस रहा होगा, क्योंकि एक ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदारो में मिलता है ऐसे एविडेंसेस। आगे आप लोग देखेंगे कि जो हमारे ग्रेट बाथ है उसका जो बनाने का स्टाइल है उसमें देखेंगे उसके चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और जो वो पूल बना है बेसिकली वो आपका कैसा है, वो ईंटों से बना हुआ है, बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, और उसको लीकेज के लिए भी उस पर क्या लगाया गया है, टार का इस पर इस्तेमाल किया गया है। और जो हमारे साइड हैं और उसके साइड में क्या बना हुआ है, उसके साइड में यहाँ पर रूम्स भी हैं, शायद वो चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे यहाँ पर। जैसे आपने मोहनजोदारो अगर मूवी देखी है तो वो लड़की जो है हीरोइन यहाँ पर थोड़ा आती है, थोड़ा सीन भी है वहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ तो यहाँ पर वो लोग करते होंगे जो कि स्पेशल होगा उनके लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इमेज में, ये एक चौक है जो कि आपका मेन मार्केट यहाँ पर होता होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेन गेटवे, एक साइड में इसका मेन गेटवे है, यहाँ पर इंडस रिवर बह रही है, इंडस रिवर बह रही है, और इधर आपका रिवर गेट भी है। रिवर की तरफ अगर आपको पानी लेने जाना है तो आपका यहाँ पर आप लोग जाएंगे। दूसरी बात, आपका मेन स्ट्रीट शुरू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन स्ट्रीट ये 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों स्ट्रीट जो हैं आपकी काटेंगी। फिर आप लोग देखेंगे कि आपका सिटैडल बाजार जो कि आपका देखेंगे यहाँ पर जो मेन बाजार है वो आपका लगेगा यहाँ पर, यानी कि आपका एंटर करते ही आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बाजार मिलता है। तो बाजार मिलता है यहाँ पर, मतलब कि पूरे सिटी के लिए यहाँ पर इजी होगा सारी चीज़ें। दूसरी बात, जो आपका मार्केट स्क्वायर है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग आकर यहाँ पर मिल सकते हैं कहीं पर भी, और ईजीली किसी भी जगह को ढूंढना आसान होगा। दूसरी बात, आपका जो यहाँ पर ग्रेनरी स्क्वायर है, थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ग्रेनरी स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर कलर बदलना लेना चाहिए अपने, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्रेनरी स्क्वायर है, यहाँ पर वो लोग, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो खाना पीना था वो कैसा होता होगा, सरप्लस में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बनता होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा सरप्लस में, यानी कि कोई भी कमी यहाँ पर आपको नहीं थी, ठीक है, कोई भी कमी आपको यहाँ पर नहीं थी, और सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मैनेज की गई थी सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें, घर भी लाइन में हैं, घर भी यहाँ पर डबल स्टोरी भी घर होंगे, रिवर गेट भी यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक ये जो आप लोग देख रहे हैं एरिया, ग्रेट बाथ की बात करें तो ग्रेट बाथ आपका भी यहाँ पर जो सिटैडल है वहाँ पर आपका ग्रेट बाथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी सारी सिटीज़ का जो मैप है यहाँ पर मिलता है हमें, मोहनजोदारो का वैसे ये मैप था आपको देखें तो। फायर अल्टर्स यहाँ पर मिले हैं, फायर अल्टर्स जो है आपका हो सकता है कि यहाँ पर बलि देने के काम यहाँ पर आते होंगे, जहाँ पर मेन साइट है आपकी ब्लोथल और कालीबंगन से ये मिलता है, और ये सेक्रीफाइस यानी कि बलि देने के लिए या फिर आपका जो यज्ञ वगैरह करने के लिए ये लोग फायर अल्टर्स का यूज़ करते होंगे। और आपके स्टोर हाउसेज मिलते हैं, स्टोर हाउसेज का मतलब है कि यहाँ पर सरप्लस में खेती हुआ करती थी, बहुत ही मात्रा में यहाँ पर खेती हुआ करती थी। खेती का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका अनाज होता है वो सरप्लस में होता है, सरप्लस का मतलब होता है कि आपका खाने योग्य से ऊपर जब आपकी खेती होती है या फिर कोई भी चीज़ का प्रॉफिट होता है आपको सरप्लस कहलाता है। तो यहाँ पर स्टोर हाउसेस मिले हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर खान पीन की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी। देखिए यहाँ पर आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, ये फायर अल्टर जो है लोथल और कालीबंगन में जो आपको मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे तो आपके आते हैं हाउसेस की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर रहती है कि सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी तक यहाँ पर हाउस होते थे, और जो रूम होते थे
वो आपके कैसे कोर्टयार्ड से आपके कवर्ड रहते थे, चारों तरफ क्या है रहेगी, यहाँ पर दीवार रहेगी और आपका जो घर होगा वो आपका सेपरेट बाथरूम भी वहाँ पर होगा, और सेपरेट बाथरूम होगा, किचन होगा वहाँ पर, और एक बरामदा भी होता था। और यहाँ पर जैसे ही गेट आपका है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा गेट घर के अंदर नहीं देख सकता था कोई भी, यहाँ पर एक वॉल होती थी, दीवार होती थी, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर अंदर भी आता है तो वो डायरेक्ट घर में ना देख पाए। और कुछ लोगों के घर में यहाँ पर कुएं भी होते थे। कुएं का मतलब है कि अभी अपने घर में भी वो लोग अपना, कुछ अमीर लोग होते होंगे जो कि घर में कुएं भी रखते थे, और क्योंकि कुछ ही लोगों के घर में यहाँ पर वेल्स पाए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है जो यहाँ की नालियाँ हैं वो या आपको कवर्ड मिलती थी, कवर रहती थी, और यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर एक इंस्पेक्शन होल भी मिलता था जिसको हटा कर आप लोग, नाली में कुछ अटक गया है वो नहीं अटके, या फिर इसको साफ करने के लिए भी उसका इंतज़ाम किया गया था। जेंटल स्लोप बनाए जाते थे, नाली का एक ढलाव बनाया जाता था जो कि आपका सीधा मेन ड्रेनेज पाइप में मिले और जाके वो अच्छी जगह, जो अच्छे से जो है पानी जो है निकास हो सके। और जो हमारे हाउसेस थे वो सारे हाउसेस जो है कनेक्टेड थे, सारे ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम जो था यहाँ पर मिलता है। स्ट्रीट की बात करें हम लोग यहाँ पर, यानी कि सड़कें जो थी, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि 90 डिग्री पर हर एक सड़क जो है वो यहाँ पर मिलती थी, और घर जो है हमारे कैसे दरवाजे उनके अंदर की तरफ खुलते थे, मेन रोड पे किसी का दरवाज़ा नहीं खुलता था। ठीक है, आगे हम लोग जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ही था कि आपका मेन रोड है, फिर आपका 90 डिग्री पे हर एक रोड जो है एक दूसरे को काटेगा, मेन रोड है वो भी, और हर एक रोड जो है वो मेन रोड पर आके मिलता था। ठीक है, तो ये एक टाउन प्लानिंग थी, बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पर जो सिविलाइजेशन चल रहा था हमारा। हमारा जो सिविलाइजेशन, अब आपने देखा कि भाई इतना अच्छा टाउन प्लानिंग है, हर एक चीज़ जो है वेल सेटल्ड है, तो फिर चीज़ों को कमी नहीं है किसी भी इंसान को, यानी कि उसके पास सोचने के लिए टाइम है। क्या होता है कि गरीब आदमी क्या करता है भाई, अपने दो वक्त की रोटी के इंतज़ाम के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि यार अगली रोटी का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगा, तो उसके पास टाइम का, टाइम तो है लेकिन वो सोच क्या रहा है कि अपने अगर मैं खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाया तो क्या होगा। यानी कि बात ये है सिर्फ इतनी सी कि जब इंसान के पास संपूर्ण चीज़ें हैं, यानी कि सरप्लस में चीज़ें हैं, या फिर उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके पास चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों, अपना दिमाग जो है दूसरी चीज़ों में लगाएगा। यहाँ पर लोग जो है बहुत बिजी हुआ करते होंगे, जैसे कि आपने देखा कि हमारा टाउन प्लानिंग है, यानी कि कुछ लोग जो है उसे बनाने में लगे होते होंगे, कुछ लोग उसको जैसे सामान लाने के लिए मजदूर हुआ करते होंगे, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जैसे अनाज उगा रहे हैं तो कुछ फार्मर्स हुआ करते होंगे, तो फार्मर्स उग रहा है सरप्लस में तो उसको ट्रेड करा जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में उसे बेचा जाता होगा, तो ट्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ का चलता होगा। ठीक है, बार्टर सिस्टम बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता था। बार्टर का मतलब है एक चीज़ का लेना और एक चीज़ का देना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना देना, ऐसा हमारा। और गोल्ड को ये लोग जानते थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आप लोग देखेंगे ये लोग बनाते थे काफ़ी, जो कि खुदाई में आपको मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता था, जो रूलर्स हैं, यानी कि कोई चीज़ जो है अब ये इतना अच्छे से जो डेवलपमेंट किया है, तो कोई तो इसको मतलब गाइड कर रहा होगा कि ऐसा होना चाहिए, कोई तो मिनिस्ट्री रही होगी कि आप लोग ये काम करेंगे, मिनिस्ट्री हुआ करती होंगी कि आप लोग ये काम करेंगे। जैसे कि सील्स मिलते हैं, सील्स पे आपने देखा कि हमारा बफेल जो आपका वुल है, वुल बना हुआ है किसी सील पे, किसी पे शिवा बनाए हुए हैं, तो इस सील को भी बनाने का कोई काम करता होगा, कोई उस सील को डिज़ाइन करने का काम करता होगा, कोई ब्लैक जो हमारे ये आपका कॉपर का ये लोग यूज़ करते हैं, जो फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर आपके हथियार बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर आपके जो खेती करने में आपका हल है उसको बनाने में यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब यूज़ करने के लिए जो चीज़ें बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका कौन बना रहे हैं, कोई तो बना ही रहा होगा ना। मतलब कि हर एक सिस्टम को अच्छे से डेवलप करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया है, या फिर जो भी उसको काम करना है, जो भी उसे सूट लगता है वैसे, यानी कि यहाँ पर लोग जो है बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही बिजी हैं, और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑर्नामेंट्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे प्रेशियस स्टोन्स भी यहाँ पर मिले हैं, जो कि आपको पता चलता होगा कि ये लोग बहुत ही अच्छे से, जो कि ये लोग
मतलब कि जैसे एज अ करेंसी यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लांट सिटी जो है आपका बनाया है ऐसे करके, और आपका जो मेड्स जो सील्स बनाने वाला होंगे वो भी अलग अलग काम करते होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है इसने जो कपड़े पहने हैं ये आप देख सकते हैं बियर्ड मैन की एक स्टैचू है, यानी कि जो स्टैचू बनाई है, स्टैचू में जो इसको कपड़े बनाए उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है, यानी कि कोई लोग एम्ब्रॉयडरी का काम करते होंगे। इसकी दाढ़ी देखिए कैसे बियर्ड एकदम अच्छे से शेप में हो रखी है, यानी कि उस टाइम पे लोग जो है फैशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। यहाँ पर ये देखिए एक माला है जो कि आपके बीड्स से बनाई गई है, यहाँ पर एक पशु जो देवी हैं उनकी मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी। क्राफ्ट्समैन का काम क्या था, क्राफ्ट्समैन जो है टेराकोटा टॉय जो है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर टेराकोटा टॉय जो है यहाँ पर इसका यूज़ वो लोग करते थे। कोई भी चीज़ का खिलौना तब हम बनाते हैं जब उसका बड़ी चीज़ का यूज़ किया जा रहा हो, तो उसको छोटी चीज़ में खिलौने के रूप में उसको बनाया जाता है। जैसे डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर बियर डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको पहले इमेज में भी दिखाया था आपको, टूल्स का इस्तेमाल करते थे ये लोग, वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, तो कोई ना कोई उस चीज़ को सारी चीज़ें बना ही रहा है। जैसे वेट का इस्तेमाल ये लोग करते थे, जो क्यूबिक वेट है अलग अलग इनका वेट हुआ करता था, यानी कि इनका भार अलग अलग हुआ करता था, और ये इसका यूज़ भी करते थे, यानी कि एक आइसो थोड़ा सा इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि इतना चीनी लेना है तो इतना ही चीनी लेना है, वेट के अकॉर्डिंग ये लोग तोला भी करते थे चीज़ों को, ठीक है। बार्टर सिस्टम है, तो इतनी चीज़ मैंने आपसे चीनी ली है तो आप इतनी चाय पत्ती मुझे दो, या फिर जो भी उनका सिस्टम रहा होगा, ठीक है। प्रेशियस स्टोन का यूज़ वो लोग ये वेट के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि इनकी क्या शेप है दाढ़ी की, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे बीड्स हैं उनका यूज़ करने, ऑर्नामेंट्स माला वगैरह बनाने में यूज़ करते थे। सील्स का इस्तेमाल किस में करते थे, जो कि आपका सील्स है या फिर आपका ट्रेडिंग सिस्टम है उसके लिए सील्स स्पेशली हो सकता है कि वो मोहर की ये यहाँ से सामान आया है, अगर सील टूटी हुई है इसका मतलब बीच में सामान खोला गया है, तो हर चीज़ का वो लोग ध्यान रखा हुआ है उस चीज़ में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऊंचे दर्जे का ये सिविलाइजेशन था जो कि हमने अपने देश में देखने को मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे ये पॉटरीज मिलते हैं या फिर ये बर्तन मिलते हैं, ये इन बर्तनों पे डिज़ाइन बनाया गया है। जैसा डिज़ाइन बनाया गया है वो आप देखेंगे कि कितना शानदार डिज़ाइन बनाया गया है, यानी कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव भी थे जो कि आपका हर चीज़ में वो कला का इस्तेमाल करते थे। ये सील्स हैं कुछ जो कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलती हैं, वुल मिलता है, या यूनिकॉर्न जो है वो यहाँ का फेमस चीज़ है जो कि आपका देखा जाता है, हाथी को इन्होंने सील पर बनाया है, तो अलग अलग चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। यहाँ भी ये यूनिकॉर्न है जो बनाए गए हैं यहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ऊँचे दर्जे का जो है हमारा सिविलाइजेशन था। कॉटन का इस्तेमाल करते थे, कॉटन का आपको देखने को मिलेगा मेहरगढ़ में अप्रॉक्स 5000 BC, यानी कि 5000 BC जो है ये कॉटन का उगाई, यानी कि आपका खेती जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपको साइट का नाम जो है बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लोथ्स जो है यहाँ पर सिल्वर वेयर का यूज़ ये लोग करेंगे, और मोहनजोदाड़ो में अगर हम बात करें जैसे ये चीज़ें जो हैं हमें मिली हैं, जो आपके आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं या फिर आपके फैंस हैं ये आपको यहाँ पर मिलते हैं, और गम का इस्तेमाल करते थे या चुपकाने के लिए किसी चीज़ को वो लोग गम का इस्तेमाल करते थे, यानी कि रॉ मटेरियल है वो भी आप लोग दूसरे देशों से यहाँ से मंगाया करते थे, यानी कि ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती थी। कॉपर की यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, जैसे कि राजस्थान से, ओमान से यहाँ पर मंगाया जाता था, टिन को यहाँ अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था, गोल्ड को कर्नाटका से मंगाया जाता था, प्रेशियस स्टोन जो है वो आपके गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मंगाए जा रहे हैं। ट्रेडिंग बहुत अच्छे अपने टाइम पर चल रही थी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो मेजर सिटीज़ हैं जो कि हमें पढ़नी है आगे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है हड़प्पा। हड़प्पा का डिस्कवर जो है सबसे पहले किया गया था, और इसका एक्सकेवेशन जिसने किया है उसको आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने इसको एक्सकेवेट किया था या सर्च किया था 1921 में। ईयर भी आप लोगों को याद रखना है। लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब और पाकिस्तान
जो हमारा एरिया है पाकिस्तान का पंजाब में, ये हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है। और रिवर जो है यहाँ पर रावी रिवर के किनारे हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है। इसको याद रखने के लिए आप लोग हरा भी याद रख सकते हैं, हड़प्पा या फिर हरा जैसे इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। तो हड़प्पा और रावी रिवर जो है इसके किनारे पे है, ठीक है। और फाइंडिंग्स यहाँ पर क्या है वो आपकी बेसिकली पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जैसे कि ग्रेनरी है, यानी कि जो आपका सामान जो ग्रेन्स हैं बेसिकली वो रखे जाते थे, जैसे कि चावल की खेती होती थी या फिर बार्ले वीट की खेती होती थी यहाँ पर, तो उनको स्टोर करके यहाँ पर ग्रेनरीज में रखा जाता था। कॉफिन बुरीड जो है यहाँ पर मिलता है। आगे आप लोग देखिए जैसे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिली है, आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ पर मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन का ये साइट है, आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट टाउन है जो कि यहाँ पर आपका खोदा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका ये इंसान है उसके साथ उसके बर्तन भी यहाँ पर दफनाए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लोग पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते होंगे कि ये इंसान जो है यहाँ पर खाना खा सके, ये अपने बर्तन जो है ले जाए अपने साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे हमारा आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बहुत ही आपको अच्छा जो आप एग्जांपल देख सकते हैं इस सिविलाइजेशन का, बहुत ही सिविलाइज्ड और बड़ा शहर जो है यहाँ का मोहनजोदारो है इस सिविलाइजेशन का, जो कि सिंध रिवर के पास आपको मिलेगा। पाकिस्तान में है ये भी, आपका हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। सिंध रिवर के किनारे ये आपको मिलेगा, यानी कि इंडस रिवर जो है बेसिकली आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये किसके द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा ये खोदा गया था या फिर एक्सकेवेट किया गया था 1922 में, अगले ही साल इसको एक्सकेवेट किया गया है। फाउंडेशन की बात करें तो आपका ग्रेट बाथ, या फिर आप लोग एक कॉमन जो है चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, जो ग्रेट आ रहा है ज़्यादातर वर्ड्स में, तो आप लोग एक चीट पॉइंट याद रख सकते हैं कि मोहनजोदारो से वो रिलेट करता है, जैसे कि ग्रेट बाथ या फिर ग्रेट ग्रेनरी, ये यहाँ पर फाउंडिंग्स मिलते हैं, ठीक है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये कहाँ मिली थी, तो आपके ये मोहनजोदारो में मिली थी। बियर्ड मैन की जो आपने अभी स्टैचू देखी थी वो भी आपकी मोहनजोदारो से मिलती है, जो एम्ब्रॉयडरी वाला उसने पहना हुआ था, अपना ड्रेसअप किया हुआ था अच्छे से, वो आपका कहाँ मिलता है, ये भी आपका मोहनजोदारो में मिलता है। टेराकोटा टॉय भी आपका यहाँ पर मिलता है मोहनजोदारो में। बुल सील जो है यहाँ पर मिलती है, पशुपति सील जो है यहाँ पर, जो गॉड है वो पशुपति को माना जाता है, यानी कि शिव का जो प्राचीन रूप है उसको बोल सकते हैं हम लोग, तो पशुपति की सील यहाँ पर मिलती है। तीन और जो सिलेंड्रिकल सील है यहाँ का मेजर फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल सील जो यहाँ पर मिली है मेसोपोटामियन टाइप की, यानी कि मेसोपोटामियन से यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो की जाती होगी, और एक क्लोथ का जो है यहाँ पर टुकड़ा पीस यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, जैसे कि आप लोग ग्रेट बाथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेट बाथ है जो कि आपका चारों तरफ जो है ईंटों से ये इसको कवर किया गया है, और लीकेज का पूरा ध्यान रखा गया है, और एक होल यहाँ पर पानी लाने के लिए और एक होल पानी निकास के लिए यहाँ पर बनाया गया है। हर चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। दूसरा आप लोग देखेंगे जैसे ब्रोंज डांसिंग गर्ल की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इसको भी काफ़ी ऑर्नामेंट्स जो है बनाए गए हैं, इसको जो चीज़ें हैं वो पहना रखी है। और सील्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक सील है जो कि आपका एक उसका सांचा बना हुआ है और दूसरी उसमें अंदर उसको बंद किया जा सकता है, तो ये आपके सील जो है वहाँ पर मिली है। आगे बात करते हैं चन्हुदारों की। चन्हुदारों की बात करें तो इनके एक्सकेवेशन जो हुआ है वो मिस्टर मजुमदार द्वारा किया गया है 1931 में। इसकी लोकेशन भी आपको पाकिस्तान सिंध में मिलेगी और ये भी इंडस रिवर के किनारे है। आपका इंडस रिवर के किनारे चन्हुदारों और आपका जो मोहनजोदारों है वो आपको याद रखना है। आगे आगे हम लोग देखते रहेंगे। इंडस रिवर के किनारे है, सिंध में है, और आपका मोहनजोदारो भी यहाँ पर सिंध में है। यहाँ पर आपको बेसिकली याद क्या रखना है, फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, एक फैक्ट्री मिली है, ठीक है, यहाँ पर चन्हुदारो में। दूसरी बात करें तो यहाँ पर लिपस्टिक का यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर लोग जो है बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह करके रहा करते होंगे, या फिर यहाँ पर बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा गया है, ठीक है। ओनली जो यहाँ पर साइट है वहाँ पर सीटाडल प्रेजेंट नहीं है। सीटाडल जैसे हमने देखा था कि एक वेस्टर्न साइड में सीटाडल जो कि ऊंचा पार्ट था, और नीचे हमारा जो शहर था
वो आपका यहाँ पर बाकी लोग यहाँ पर रहते थे, या फिर इसको टाउन जो है वो लोअर टाउन या फिर बोलते थे, ठीक है। ये हमारा सिटाडल था। यहाँ पर सिटाडल जो है नहीं मिला है चन्हुदारों में, ये आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ये बीड्स जो है, बीड्स से बनाई गई माला है, जो कि यहाँ पर बीड्स फैक्ट्री मिली है उसमें बनाई गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे आता है हमारा लोथल। तो लोथल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये जो है भोगवा रिवर के किनारे जो है हमारा बसा हुआ है, और इंडिया की साइट है ये, आप लोग याद रखेंगे। 1957 में एक्सकेवेट की गई थी SR राव द्वारा। बहुत ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। यहाँ की जो फाउंडिंग्स हैं, यहाँ मिलता है एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब है कि एक जगह है जहाँ पर शिप को पोर्ट किया, यहाँ पर शिप को जो है अच्छे से रखा जाता है, रख रखाव जहाँ शिप्स का किया जाता है, या फिर नाव का रख रखाव जहाँ किया जाता है, उसको डॉकयार्ड बोला जाता है। बटन सील्स जो है यहाँ पर मिली है। फायर अल्टर्स जो हमने देखे थे आपके, फायर अल्टर्स वो यहाँ पर मिले हैं। पेंटेड जार जो से हमने इमेज देखी थी वो यहाँ पर मिली है। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस का जो कल्टीवेशन है यहाँ पर, राइस हस्क जो है बेसिकली यहाँ पर मिला है लोथल में, ये आपको याद रखना है। लोथल में क्या मिला है आपको? राइस हस्क, या फिर उसका जो भूसा होता है वो आपका यहाँ पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लोथल सिटी देख सकते हैं, जो कि आपका डॉकयार्ड है, यानी कि ये रिवर के किनारे है, सीधा शहर जो है आपका रिवर के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर आपका रिवर है, और यहाँ पर शिप्स जो है, ये थोड़ा इमेजिनरी है पिक्चर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉकयार्ड ऐसे बनाया गया है, जो कि आपका नदी के दूसरे साइड में बना हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगली साइड की, जो कि है हमारा काली बंगन। काली बंगन की बात करें तो इसके नाम से ही आप लोग देख सकते हैं कि काली का मतलब होता है ब्लैक या फिर काला। तो ब्लैक बंगन, बंगा या फिर बैंगल आप इसको कलेक्ट करें, बैंगल, बैंगल का मतलब ही चूड़ी होता है, तो बैंगल आपकी यहाँ पर मिली होगी ब्लैक कलर की, तो यहाँ पर इसका नाम काली बंगन रखा गया होगा। तो एक्सकेवेटेड किसने के द्वारा किया गया है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अम्लानंदन घोष के द्वारा जो है, अम्लानंद घोष के द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया है 1953 में। और दूसरी बात, इसकी जो जगह है यानी कि कहाँ मिला है, तो ये आपको रखना याद ज़रूरी है, राजस्थान में मिला है, और घग्गर रिवर के पास ये आपका कालीबंगन मिला है, ये आपको मेनली याद रखना है। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे कि आप अगर याद करने की कोशिश करें इसको, तो काली बंगन यानी कि काली चूड़ियाँ पहनकर, घाघरा पहनकर, घग्गर को आप लोग घाघरा से याद रख सकते हैं, तो घग्गर पहनकर, काली चूड़ियाँ पहनकर राजस्थानी जो है राजस्थान में क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग तीनों चीज़ें याद रख सकते हैं। फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो आपका शिवलिंगम जो है यहाँ पर बेसिकली मिलता है, फायर अल्टर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, और जो आपके बैंगल है वो आपको यहाँ पर मिले हैं, इसीलिए इसका नाम जो है यहाँ पर कालीबंगन रखा गया है। अब यहाँ पर जो है सर्कुलर पिट्स मिले हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइंस में जो है यहाँ पर सर्कुलर पिट्स मिले हैं, जो कि आपका गड्ढे हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर जो यज्ञ वगैरह है वो किए जाते होंगे, ठीक है। और पॉटरी वगैरह यहाँ पर मिली है, और यहाँ पर कैमल की जो बोन्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ये आपका फायर अल्टर है जो यहाँ पर मिला है। यहाँ पर पॉटरी है जो कि बेसिकली आपको देखने मिलेंगी, और इन जो देखेंगे कि जो आपका मुंह जो बनाया गया है वो इतना छोटा बनाया गया है, या फिर हर एक डिज़ाइन के यहाँ पर पॉटरी जो है वो मिलती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अपने बनावली की। तो बनावली की बात करें, ये एक्सकेवेट किया गया था आपका 1973 से 1974 में, आप लोग याद रख सकते हैं। SR RS बीस्ट जो है उनके द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया था। और ये साइट जो है बेसिकली पूछा जाता है कि कहाँ की है, तो हरियाणा यानी कि इंडिया में ये हमारे साइट प्रेजेंट है। घग्गर रिवर, ये भी घग्गर रिवर के पास है, और हमारा कालीबंगन भी हमारा घग्गर रिवर के पास था। तो दोनों को आप लोग याद रख सकते हैं कि बन ठन के, घाघरा पहन के, काली चूड़ियाँ भी पहनी है, और क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग बन ठन के याद रख सकते हैं इस बात को। फाइंडिंग्स की बात करें तो आपको टेराकोटा फिगर जो है, प्लॉग जो है यहाँ पर मिला है। प्लॉग का मतलब है जो आपका यहाँ पर ये खुदाई करने के लिए जो आपका हल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका प्लॉग जो है वो यहाँ पे बेसिकली मिला है। बार्ले जो है यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं बार्ले के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेराकोटा जो फिगर है यहाँ पर मिली है।
आगे बात करते हैं हम लोग अपना धोलावीरा साइट की। तो धोलावीरा साइट की बात करें तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, जो कि आपका गुजरात में मिलती है। इसके भी फाउंडर आरएस बीस्ट हैं, और आपको याद रखना है ये लूनी रिवर के पास हमारी सभ्यता मिलती है। धोलावीरा लूनी, धोला लूनी, लूनी धोला गुजरात, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रन ऑफ का छाप सभी को पता है, गुजरात में प्रेजेंट है। अगली बात करते हैं यहाँ की फाइंडिंग्स की। तो फाइंडिंग्स आपको यहाँ पर याद रखनी है बेसिकली कि चैरियट जो है, फिगर ऑफ चैरियट यहाँ पर मिलता है, यानी कि चैरियट का मतलब होता है तांगा जो होता है उसको बेसिकली बोला जाता है। आगे जो है हमारा न्यूड ह्यूमन की जो यहाँ पर है, ये बेसिकली आपका पूछा जाता है कि न्यूड ह्यूमन द्वारा जो है वो चैरियट या फिर आपको तांगा जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पर जो है बहुत अच्छा जो है चीज़ मिलती है, क्योंकि ये धोलावीरा जो साइट है वो आपकी कैसी है, पोर्ट सिटी है, ठीक है। आगे आप लोग बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पर रॉक्स का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है, और यहाँ पर आपका मेन जो चीज़ है, जो आपका डिवीज़न किया गया है, जैसे अभी तक हमने देखा था सिटाडल और आपका मेन टाउन में डिवाइड रहता था, लेकिन यहाँ पर जो आपका धोलावीरा साइट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में आपका डिवाइडर मिलेगा। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि एक यहाँ पर क्या है, एक कैसल भी बना हुआ है, और एक यहाँ पर मिडल टाउन है, लोअर टाउन है, और आपका ऐसे करके ये तीन पार्ट्स में यहाँ पर आपको मिलेगा। सेरेमोनियल ग्राउंड है यहाँ पर, मिडल टाउन है, और लोअर टाउन यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये आपका धोलावीरा जो है एक स्पेशल फीचर जो है यहाँ का मिलता है। आगे हम लोग बात करें तो आगे की साइट हमारी आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट इन इंडियाज वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि धोलावीरा साइट का आपका सबसे जो यूनिक फीचर था वो क्या था आपका, यहाँ पर क्या है, तीन चीज़ों में यहाँ पर डिवाइडेड था, ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, जैसे कि अभी हमने देखा इमेज में। ग्रेट ग्रैनरी आपकी सभी जगह, जो आपकी ग्रेट ग्रैनरी है वो आपकी मोहनजोदारो में मिली थी। हमने देखा था कि ग्रेट जहाँ पे लग जाए आपको चीट कोड याद रखना है मोहनजोदारो। पक्का ब्रिक्स का यूज़ तो पूरे सिविलाइजेशन में किया गया है, ठीक है, तो आप लोग नो पक्का ब्रिक जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। देर इज़ नो सिटाडल, सिटाडल तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट्स में जो है बेसिकली डिवाइडेड है, ये इसका मेन फीचर। अगला आपका क्वेश्चन है, हड़प्पन वर नॉट फैमिलियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे वो फैमिलियर नहीं थे, सोना, ब्रॉन्ज, आयरन या फिर लकड़ी। लकड़ी तो देखिए सभी को पता है कि सभी जब पेड़ हुआ करते थे लकड़ी से तो वाकिफ ही रहे होंगे। आयरन से वो लोग नहीं थे परिचित, क्योंकि आयरन जो है आते आते हमारा क्या हो गया था, आर्यंस जब आए थे तो आयरन का यूज़ जो है, आयरन इससे आप लोग याद रख सकते हैं, तो आपका आयरन एज जो है स्टार्ट हुई थी आयरन्स के आने पर, गोल्ड के वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाते थे। अगले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सा यहाँ पर अर्लीएस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, कहाँ पर, लोथल, मेहरगढ़, कालीबंगन या फिर आलमगीरपुर। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेहरगढ़ में यहाँ पर अर्लीएस्ट एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव रोज डिस्टिंक्टिव फायर अल्टर्स, जो आपके रोज में फायर अल्टर्स मिले हैं, यानी कि यज्ञ वगैरह आपका जो किया जाता होगा तो वो आपके कहाँ मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि वो कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं गाइस, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रेट बाउथ जो है वो कहाँ मिलता है। तो ग्रेट जहाँ भी लगा है हमें मोहनजोदारो आंसर करना है बिना देखे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट ग्रेनरी वॉज फाउंड इन विच प्लेस। तो आपको याद रखना है ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ आपका कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन करने की, जैसे कि आपका विच मेटल वर मोस्टली यूज टू मेक द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको याद रखना है कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ सबसे पहले वो लोग करेंगे, और आगे जब आयरन्स आएंगे तब हमारा आयरन का यूज़ किया जाएगा, उससे पहले ये स्टोन एज थी, स्टोन का यूज़ करते थे लोग।
आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ आर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे कहीं पे कोई लिखा हुआ नहीं है अभी तक, यानी कि 1921 तक यही सोचा जा रहा था कि अभी तक सबसे पहले कौन सा एज था, आयरन एज जो था वही चलता हुआ आ रहा था. लेकिन उससे पहले जब हमें खुदाई से पता चला है 1921 में, जब हमारा जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई है और आपका, तो इससे हमें पता चला है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का. आगे हम लोग बात करते हैं एट विच हड़प्पा साइट ट्रेसेस ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स का आपको कहाँ पर मिलता है. तो यहाँ पर हमें सरकोटडा का नाम यहाँ पर याद रखना है, सरकोटडा का, ठीक है. ये आपके मेन क्वेश्चन है जो कि आपसे इस साइट से पूछा जाता है. आगे आप लोग बात करेंगे नॉट नोन टू हड़प्पा पीपल, तो आपका आयरन जो है उनको नहीं पता था बेसिकली. अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. What was the main occupation of people of Indus Valley Civilization? का main जो आपका वर्क था वो क्या था, ट्रेडिंग करना था. ट्रेडिंग ये लोग करते थे दूसरे कंट्रीज से भी. आगे हम लोग बात करेंगे विच कल्चर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इज फाउंडिंग, तो हड़प्पा कल्चर में आपको सिल्वर जो है वो अर्लीस्ट यहाँ पर मिलता है. उससे पहले यहाँ पर इंडिया की बात करें तो आपका कोई सिविलाइजेशन इससे पहले का नहीं दिखाई देता है हमें. By which evidence the Indus Valley civilization is known as pre-Aryan civilization? किसके basis पे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर script मिलती है जो आपके पढ़ी नहीं गई है अभी भी, क्योंकि इसके जो words हैं वो अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें variation देखने को मिलती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा words हैं, इसीलिए इसको पढ़ना जो है वो नहीं हो पाया है अभी तक. तो इसलिए बोला जाता है कि ये pre-Aryan civilization है जिसको, इसीलिए यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पर मिलते हैं इसी बेसिस पे. एट विच पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन राइस हस्क हैव बीन फाउंड, तो आपको याद रखना है लोथल और रंगपुर में आपका राइस हस्क जो है यहाँ पर मिलते हैं. अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इन हड़प्पा सिविलाइजेशन इज बियर्ड मैन स्ट्रीटेड हैज़ बीन फाउंड, तो आपको याद रखना है मोहनजोदाड़ो में जो आपका बियर्ड मैन था जिसका आपको स्टैचू मिलता है, जिसके कपड़ों पे ये एम्ब्रॉयडरी भी हो रही थी हमारी और उसकी दाढ़ी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन से कटी हुई थी, तो वो आप लोग को कहाँ मिलता है, मोहनजोदाड़ो में मिलता है. अगले कुछ क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको याद रखना है दो चीज़ें जो कि उनकी टाउन प्लानिंग थी और ड्रेनेज सिस्टम था. ये बेसिकली बहुत ही मेजर जो चीज़ है इनकी करेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखना है. To which age Indus Valley civilization belong, तो कौन सी एज से basically belong करते थे, तो ये Neolithic से आपके belong करते थे या फिर New Stone Age से belong करते थे. आगे हम लोग बात करते हैं कि Indus Valley civilization was discovered in which year, तो 1921 में आपके discover किया गया था Indus Valley civilization को. इस स्क्रिप्ट को जो यहाँ पर मिलती है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कौन सी स्क्रिप्ट है, ये अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जिसका ज्ञान नहीं है उसको अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट बोला जाता है. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉच दिस